हेलो गाइस, हियर इज सरबजीत सिंह एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल फ्री वीज़ा एडवाइज़र। खबर सच्ची है तो ही अच्छी है दोस्तों। बड़े दिन से बने हुए हैं हम डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर, खबर बहुत दिन से वेट हो रही है कि जल्दी से जल्दी ये खबर आ जाए। तो मेरे पास जब भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या मैसेज या कॉल आता है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे से लोग जब ये पूछते हैं कि आपके पास क्या सोर्सेज हैं। दोस्तों, मैंने पिछली बार भी जितनी भी वीडियो बनाई है उन वीडियोस के अंदर एक ख़ास बात ये थी कि मैंने जितनी बार भी ये कहा है कि अब की बार बैन होगा या नहीं होगा, तो वो लगभग सच्ची रही हैं खबरें, क्योंकि मैंने हमेशा ही फैक्ट के आधार पर और कुछ रिलायबल रिसोर्सेज के आधार पर ये खबर आप लोगों के साथ शेयर की है। लेकिन अब की बार मैं पहले 4 फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ फैक्ट्स समझने ज़रूरी हैं जो कि आप लोगों के सामने हैं, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। सबसे पहला फैक्ट क्या है कि इंडिया के अंदर जो कोरोना के केसेस हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। यानी कि पिछले एक महीने की अगर बात करें तो इस समय लगभग 24,900 कुछ के आसपास इस समय केसेस रह गए हैं, जो कि आज से लगभग 2 महीने पहले 34,000 या 37,000 के आसपास थे। और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा मेन जो फैक्ट है वो है 75 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है इंडिया के अंदर, जो कि गुड न्यूज़ आती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दुबई, यूके और कुछ ऐसी कंट्रीज़ ने इंडिया को रेड जोन से बाहर किया है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है। क्योंकि एक मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि एक कंट्री को देखकर दूसरी कंट्री ज़रूर कुछ ना कुछ डिसीजन लेती है, और ऐसा कनाडा के ऊपर भी होगा। नो डाउट वो इस समय बिज़ी हैं, उनके वहाँ पे इलेक्शन है, शायद वो इस कारण से डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन ये बहुत पक्की खबर हो सकती है। मुझे लगता है रेड जोन से बाहर आना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ काम करेगा, और हम लोग जो है बहुत जल्दी इस चीज़ को समझ भी जाएंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है, वो रीज़न दोस्तों इतना अच्छा रीज़न है कि उस रीज़न को समझने के लिए हमें वाकई थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो ये रीज़न है कि एयर कनाडा ने अब तक जितनी बार भी बैन हुआ है, 15 दिन पहले ही अपनी साइट के ऊपर सारी जो है बुकिंग्स है कैंसिल कर दी हैं, यानी कि उन्होंने उसके ऊपर शो कभी नहीं किया। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं, आप कनाडा की एयर कनाडा की वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट पर जाकर आप चेक कीजिए, आपको 22 सितंबर से लेकर, यानी कि 21 सितंबर से भी है शायद, लेकर आगे जितनी भी है सारी की सारी बुकिंग्स आपको जो है ना ऑन नज़र आएंगी। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव साइन है, क्योंकि एयर कनाडा कनाडा की ही एक एयरलाइन है, और इस एयरलाइन का कनाडा की गवर्नमेंट के साथ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ सीधा सीधा संपर्क है। तो मुझे लगता है कि वो बेटर तरीके से समझ रहे हैं कि सिचुएशन इस समय क्या है, और इस सिचुएशन को समझने के लिए उन लोगों ने कुछ गाइडलाइन भी अपनी दे रखी है। एयर कनाडा की जो साइट है उसके ऊपर भी आप गाइडलाइन वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव साइन की तरफ इशारा करती हैं दोस्तों। इसके अलावा जो सबसे मेन रीज़न है, जो सबसे लास्ट रीज़न है, वो रीज़न बहुत ही अच्छा रीज़न है, जो आपको मतलब एक समझ में आएगा कि वाकई ये रीज़न कुछ रीजंस में से एक है। दोस्तों, चौथा जो सबसे बड़ा रीज़न है, मैं काफ़ी सारी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ कि भारत की जो मिनिस्ट्री है वो क्यों इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही, और आपने पिछली वीडियोस में भी देखा था कि कुछ भारत के जो एम्बेसडर हैं जो कनाडा में हैं, उन्होंने भी काफ़ी पहल की थी पिछले महीने, काफ़ी उन्होंने कोशिश की थी कि चलो डायरेक्ट फ्लाइट के बारे में बात की जाए, शुरुआत करने के लिए सरकार से परमिशन ली जाए या रिक्वेस्ट की जाए, तो तब भी कुछ नहीं बना था। लेकिन अब की बार एविएशन मिनिस्ट्री ने पहल की है, उन्होंने बड़े ही जद्दोजहद के बीच में एक बड़ी अच्छे तरीके से एक रिक्वेस्ट लॉन्च की है कि आप अब की बार जो है ना बैन को एक्सटेंड मत कीजिए। इंडियन स्टूडेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, पीआर के स्टूडेंट्स हैं, और कुछ विजिटर्स हैं जो इंडिया में स्टक हैं, और इसलिए उनको परमिशन मिलनी चाहिए डायरेक्ट फ्लाइट से जाने की, क्योंकि इनडायरेक्ट का रूट बहुत महंगा पड़ रहा है। उस महंगे होने के साथ साथ काफ़ी सारे जो हैं लोग अभी तक अपने बजट को लेकर परेशान होने के कारण अभी यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस भी यहाँ पे यहीं पे ही ख़त्म हो गए, कोर्सेज भी ख़त्म हो गए हैं। लेकिन वो इस बात से ज़रूर परेशान है कि हम किस तरीके से कनाडा के अंदर जाकर अपनी स्टडी कैरी ऑन कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो खबरें हैं जो इस समय बहुत ज़रूरी है समझनी, ये सब फैक्ट्स बहुत समझने ज़रूरी है, ताकि क्योंकि
आप कमेंट सेक्शन में आकर क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, हो सकता है ये बैन एक्सटेंड हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो देखनी पड़ेगी, कुछ ना पॉजिटिव तो सोचना पड़ेगा। और अगर मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो इसके अंदर कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पॉजिटिव बना रहा हूँ। कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो आकर ये कहते हैं ये ऐसा नहीं होगा, ये तो झूठी खबरें हैं, ये आपको कहाँ से मिलती हैं खबरें हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं। जब मैं बिल्कुल अंगेस्ट वीडियो बनाता हूँ तब भी आप एक्सेप्ट नहीं करते, और जब मैं फेवर में बनाता हूँ तब भी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इस बार मैं फैक्ट्स के आधार पर कह रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ फैक्ट्स के आधार पर कह रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने प्री बुकिंग भी शुरू कर दी है, हमने डायरेक्ट फ्लाइट्स की प्री बुकिंग शुरू की है, जो टिकट आपको वहाँ पर 150,000 190,000 के आसपास मिल रही है वही हम 110,000 की दे रहे हैं। हमें आप संपर्क कीजिए, चंडीगढ़ वाले ऑफिस में संपर्क कीजिए, कुरुक्षेत्र वाले में कीजिए, मुंबई वाले में कीजिए, कहीं भी कीजिए, हम आपको टिकट बनाकर देंगे। और डायरेक्ट फ्लाइट के ऊपर भी हम काफ़ी ऑफर लेकर आए हैं, तो इसलिए आप लोग कीप इन टच, और इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क करते रहिए, और हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको अकोमोडेट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको असिस्ट करेंगे, और वही आपको रेट देंगे जो हमारे को एयरलाइन के से पड़ता है, हम लोग उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने वाले। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ सी यू लेटर, गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।